भारत की वर्तमान सरकार की देश की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता और विस्तृत रणनीति के कारण आतंकवाद, बम विस्फोट और इंसर्जेंसी की घटनाएं देश में बहुत कम हो गई हैं। 2011 में माओवाद से 10 प्रदेश और 180 जिले ग्रस्त थे। 2015 में इसके लिए हमारी सरकार एक नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान लेकर आई, जिसके अंतर्गत वहाँ के लोगों का काफी विकास किया गया। वहाँ मूलभूत सेवाएं दी गई, सड़कें, मोबाइल टावर्स, उनका स्किल डेवलपमेंट किया गया और दूसरी ओर सुरक्षा बलों को मजबूत किया गया और उनको पूरी स्वतंत्रता दी गई कि ताकि वो अपने ऑपरेशन ठीक से कर सके, जिससे कि माओवाद में अभी 52% की कमी हुई है। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी में 71% की कमी हुई है। आदर जय श्री राम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। सभी हिंदुस्तानियों को, सनातनियों को, श्री राम भक्तों को मैं अपील करती हूँ कि 25 मई को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। हमारा प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए। आप कहीं छुट्टी मनाने नहीं चले जाना, ये आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जवाबदारी है कि हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने। यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो मतदान पर मतदान करने के लिए आपको अपने मत का सही प्रयोग करना है। मतदान बहुत जरूरी है, यह एक महायज्ञ है। अपनी उंगली का सही प्रयोग करके आप अपने राष्ट्र की दिशा और दशा बदल सकते हैं, अपने बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण और भविष्य दे सकते हैं। भाई, हम सब मिलकर अपने मत का प्रयोग करें, साथ ही साथ दूसरों को भी प्रेरित करें, ताकि एक मजबूत और ईमानदार सरकार पूरे भारत को एक सुंदर भविष्य दे सके, हमारे आने वाले बच्चों को एक सुंदर आत्मनिर्भर भारत दे सके, ताकि उनका भविष्य भी उज्जवल हो। क्योंकि आपका वोट जो है राष्ट्र निर्माण में बहुत उपयोगी है और बहुत ही एक सशक्त भूमिका निभाता है, क्योंकि इससे हमारा राष्ट्र निर्माण बनता है और हम अपने तरीके से अपने भारत को सशक्त बनाएंगे। तो मैं आपसे फिर से आग्रह करती हूँ कि आप अपने आस पड़ोस, दोस्तों में, परिवार में सबको प्रेरित करें, ताकि वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें और जरूर से जरूर 25 तारीख को जाके मतदान केंद्र में वोट करें। भारत के विकास के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, अपने मंदिरों की सुरक्षा के लिए, जिन्होंने अयोध्या धाम में एक भव्य नवनिर्मित एयरपोर्ट का नाम भगवान वाल्मीकि जी के नाम से रखाया, समाज का नाम सम्मान को बढ़ाया, तो आप उनके लिए वोट कीजिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट अवश्य कीजिए, भगवान वाल्मीकि कीजिए। 25 मई 2024 को दिल्ली में चुनाव है, इस चुनाव में आप अपने परिवार के साथ वोट देने अवश्य जाएं। आपके एक वोट से देश की सरकार बनती है और एक वोट की देने से ही देश की दशा और दिशा सुधरती है। अतः देश हित और राष्ट्र हित में आप मतदान करें और दूसरों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। साथियों, हमारा राष्ट्र बचेगा तो हमारी संस्कृति, हमारी हिस्ट्री, हमारे मंदिर और गुरुद्वारे बचेंगे। साथियों, पिछले 75 सालों में हमें नसबंदी अभियान द्वारा और एक नैरेटिव सेट करके कि हम दो हमारे दो होंगे तभी हम खुशहाल होंगे, और जबकि दूसरे समुदाय को इन्होंने खुली छूट दी कि जितनी मर्जी आप अपनी गिनती बढ़ाएं, हम आपको पालेंगे, और अगर हम इस पर चूक गए तो ये जो गलती है हमें बड़ी भारी पड़ेगी। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है, विनम्र विनती है कि 25 मई को मैं भी वोट डालने जाऊंगा और आप भी डालने जाएंगे। राष्ट्र हित के अंदर राष्ट्र के मुद्दों को देखते हुए इससे देश का नाम विश्व पटल पर हो, यह सोचते हुए मेरा विशेष रूप से नवयुवकों को जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उनसे आग्रह है कि आप सब लोग वोटिंग भरपूर मात्रा में करें, 100% वोटिंग करके दिखाएं, जिससे कि देश का विकास हो, देश की उन्नति हो। इन लोकसभा चुनावों में सभी राष्ट्रवासियों से, सभी सनातनी बंधुओं से यह प्रार्थना कि अधिक से अधिक मतदान कर इस लोकतंत्र के पर्व का आनंद लीजिए और अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाइए और महिला सुरक्षा, नारी वंदना, नारी शक्ति और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए माँ भारती के चरणों में एक कमल का फूल अर्पित करिए और अपने देश की प्रगति में योगदान दीजिए। जिस सरकार ने महिलाओं के घर पे जल पहुंचाया, गैस पहुंचाई, अनेकों सुविधाओं से उनको सशक्त करा, उसको सशक्त करना हमारा कर्तव्य है। हमारा वोट राष्ट्रवाद को, मेरा वोट मेरा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, मेरा वोट बहन भाइयों की रक्षा के लिए, मेरा वोट मजबूत नेतृत्व के लिए, मेरा वोट भारत के विश्व
गुरु बनाने के लिए मेरा वोट अखंड भारत के लिए। आप सभी सर्व समाज को सूचित करना चाहता हूँ कि अपना कीमती वोट राष्ट्र हित में डालें। जब राष्ट्र सुरक्षा होगा तो सर्व समाज का धोबी समाज भी सुरक्षित रहेगा। दिल्ली में फिर दोबारा दंगे ना हो उसके लिए वोट करना। दिल्ली में अक्षरधाम से लेकर सहारनपुर तक जो पेरिफेरल बन रहा है उसके लिए वोट करना। दिल्ली में हमारी लोकसभा में 3 केंद्रीय विद्यालय बन रहे हैं उसके लिए वोट करना। राष्ट्र के हित के लिए वोट करना। टुकड़े टुकड़े गैंग को हराने के लिए वोट करना। दोस्तों, हम नहीं चाहते दिल्ली में फिर से कोई अराजक सरकार रहे। हमें वोट करना है इसके खिलाफ जो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, जो अपने ऑफिस में बुला रहे हैं और महिलाओं के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। यही कार्य दुशासन ने और दुर्योधन ने किया था, हमें उनके खिलाफ वोट करना है। सभी को राम राम। मैं विश्वदत्त ओलंपिक मेडलिस्ट। आप सबको पता है कि लोकतंत्र का पर्व उतला हुआ है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, 3 चरणों का चुनाव बाकी है। आप सभी देशवासियों से मेरी विनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। जिन्होंने 500 साल बाद राम मंदिर बनवाया उनके लिए वोट करें। धारा 370 कश्मीर से हटाई उसके लिए वोट करें। CA कानून जो लागू किया उसके लिए वोट करें। और आने वाले 5 सालों में जो काम होंगे उसके लिए वोट करें। एक देश एक कानून के लिए वोट करें। एक देश एक चुनाव के लिए वोट करें। भारत निर्माण के लिए वोट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए वोट करें। भारत माता के लिए वोट करें। जय हिंद, जय भारत।